हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। जसनाथ क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। काफी दिनों से क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम पिछले वीडियो में वर्ण विसार के बारे में बात की थी, वर्ण विसार का टॉपिक क्लियर किया। वर्णों के बाद क्रम आता है शब्द, हम क्रम वही चलेंगे। अब बात करेंगे शब्दों की। वर्ण विसार कंप्लीट हो चुका है, अब हम बात करेंगे शब्द। शब्द क्या होते हैं, पहले इसका सामान्य परिचय देता हूं। शब्द वर्णों का सार्थक क्रम या समूह। शब्द बराबर वर्णों का सार्थक समूह। शब्द का शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है सार्थक। यदि हम सार्थक नहीं बोलेंगे तो इसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं या शब्द नहीं बनता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, कोई शब्द है कमल, यह सार्थक वर्णों से मिलकर बना है, क म ल एक सार्थक वर्ण है। यदि इसको मैं ल म फिर क लमक, यह कोई शब्द नहीं है या मतलब सार्थक शब्द नहीं है। इसके लिए वर्णों का सार्थक समूह सार्थक, क म ल सार्थक शब्द है। इसलिए वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, सार्थक नहीं होता है तो वह शब्द नहीं बनता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वो होता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह, और शब्द क्या होता है, वर्णों का सार्थक समूह। इसमें डिफरेंस यही है, सार्थक समूह है या व्यवस्थित समूह है। व्यवस्थित पहले अ आएगा फिर आ आएगा, ये एक व्यवस्थित क्रम होता है। इसको हम पहले आ फिर अ नहीं लिख सकते हैं, ये वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम नहीं है। इसलिए वर्णों का व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह वर्णमाला, और वर्णों का सार्थक समूह शब्द। सामान्य परिचय दे चुका हूं, अब हम बात करेंगे शब्द। शब्द क्या है, सार्थक समूह हो गया। अब शब्द के भेद, शब्द को चार भेदों या चार प्रकार में बांट सकते हैं। नंबर एक, नंबर एक है वह है उत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत। के आधार पर नंबर दो वह है युत्पत्ति, या रसना। के आधार पर नंबर तीन वह है रूप परिवर्तन, के आधार पर। अब नंबर चार,
वो है अर्थ के आधार पर। हम इसके बारे में अलग अलग से लेंगे। पहला ही पहला है उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, फिर रचना या व्युत्पत्ति, फिर रूप परिवर्तन और फिर अर्थ। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं वो पांच प्रकार से होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर दो, रूप परिवर्तन के आधार पर नहीं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर तीन और रूप परिवर्तन के आधार पर दो और अर्थ के आधार पर आठ। पहले बोला उत्पत्ति नंबर एक, वह है तत्सम। नंबर दो वह है तद्भव। नंबर तीन देशज। नंबर चार विदेशी। नंबर पांच वह संकर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं, तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज और विदेशी और संकर। अब व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर ये तीन में आगे, पहला रूढ़। रूढ़ शब्द, फिर यौगिक, यौगिक शब्द नंबर तीन वो आते हैं योग रूट। योग रूट शब्द। अब रूप परिवर्तन के आधार पर दो है, पहला है विकारी। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कहीं वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो विकार या अपना रूप दिखाएंगे, और यह विकारी शब्द है चार। नंबर एक वह है संज्ञा। नंबर दो वह है सर्वनाम। नंबर तीन संज्ञा सर्वनाम विशेषण। नंबर चार वह है क्रिया, तो वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है। विकारी शब्द हो गया, फिर आता है अविकारी। अविकारी शब्द इसके उपभेद होते हैं पांच। पांच उपभेद है जिसमें क्रिया विशेषण है। नंबर एक पर आता है क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, फिर विषमादि बोधक और फिर निपात। जगह नहीं है, अलग से टॉपिक लूंगा तब बता दूंगा। फिर अर्थ के आधार पर आठ होते हैं, पहला एकार्थी। एकार्थी शब्द नंबर दो अनेकार्थी। नंबर तीन शब्द युगम, सॉरी युगम शब्द। युगम शब्द नंबर चार विलोम शब्द। नंबर पांच पर्यायवाची।
शब्द नंबर छ वो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द नंबर सात वो होता है समश्रुति विनाशक शब्द। समश्रुति विनाशक शब्द, समश्रुति विनाशक शब्द ऐसे शब्द जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ उसका बहुत भिन्न होता है। नंबर सात के बाद आठ तो होता है समूहवाची। समूहवाची शब्द हम शब्द की बात कर रहे हैं। शब्द क्या होता है? शब्द वर्णों का सार्थक समूह। और फिर इसके चार भेद होते हैं। पहले पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, इसके आधार पर शब्द होते हैं पांच, जिसमें पहला प्रकार है तत्सम शब्द आते हैं, फिर दूसरे नंबर तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशी, फिर संकर, फिर आता है युत्पत्ति या रचना के आधार पर, इसके आधार पर तीन होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूप शब्द। अब रूप परिवर्तन के आधार पर दो भाग होते हैं इसके। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यांश या वाक्य में कहीं पर भी प्रयुक्त होते हैं तो अपना रूप दिखाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी या विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, ये आएंगे तो परिवर्तन वाक्य में होगा। फिर अविकारी शब्द ये पांच होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विश्वादि बोधक और निपात। जगह नहीं है बता दूंगा। अर्थ के आधार पर आठ होते हैं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुति विनाशक शब्द और समूहवाची शब्द। हम शब्द का विस्तृत अध्ययन किया है, पहले ये उतार लीजिए, फिर एक एक का अलग से लूंगा और अध्ययन कराऊंगा।